हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, हमें इनको जो है फैक्टराइज करना है। ठीक है, देखो फर्स्ट वन है एक्स स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, तो देखो 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए क्या है एक्स और बी क्या है वाई, तो हम इसको इस फॉर्मूले के हिसाब से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो हमने इसे फैक्टराइज कर लिया, क्लियर। चलो अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। क्वेश्चन यहां पर क्या है, एस स्क्वायर माइनस 256। ठीक है, तो देखो 256 किसका स्क्वायर होता है, इसको ऐसे फॉर्म में लिखो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए। क्लियर, तो देखो वैसे तो 256 16 का स्क्वायर होता है, लेकिन अगर आप लोग को निकालना हो तो कैसे निकालोगे, एक दफा रिवाइज कर लेते हैं स्क्वायर कैसे निकालते हैं। यहां से लास्ट वाले यूनिट डिजिट है उससे चलते हैं हम। ठीक है, दो नंबर्स पे ऐसे बार लगाओ, ये एक बचे इसके ऊपर बार लगा दो। ठीक है, अब क्या करोगे, 1 1 1 कितना बचा हुआ, ये पूरा 56 नीचे आ जाएगा, 1 + 1 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसमें से क्या नंबर यहां रखू उसी से मल्टीप्लाई करूं, या तो मुझे ये मिलेगा उससे छोटा कोई नंबर मिले। अगर मैं 6 रखकर 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो देखो 6 6 = 36 6 2 = 12 15 आ रहा है ना यही रिजल्ट, तो ये 6 आप अपना यहाँ रख लीजिए। ठीक है, तो हमारा ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 16 का स्क्वायर है 256। ठीक है, वैसे याद भी रखना थोड़ा सा। ठीक है, माइनस 16 का स्क्वायर, अब फिर से कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, क्लियर, तो देखो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। क्लियर है, हमने ऐसे उसमें से ब्रेक डाउन कर दिया कि दो नंबर जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे कि पहले भी बताया था 12 के फैक्टर्स कैसे हो जाए, क्या हो जाएंगे, 3 4 = 12 या फिर 2 6 = 12 है कि नहीं, वैसे हमने इसे दो फैक्टर्स में स्प्लिट कर दिया है। क्लियर, चलो अब चलते हैं हम इसके थर्ड क्वेश्चन पर। यहां पर क्या है, 121 ए स्क्वायर माइनस 1। देखो 121 किसका स्क्वायर होता है, तो सबको पता है किसका, 11 का होता है ना, तो मैं इसे 11 ए का स्क्वायर लिख दू, 11 का स्क्वायर 121, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, यहां पे 1 को आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला बनाइए, ए माइनस बी ए प्लस बी, लिख दो इसको ए माइनस बी, फिर लिखो ए प्लस बी सॉरी। ठीक है, सही, चलो अब हम चलते हैं इसके फोर्थ, नहीं करते अब हम करते हैं इसका अगला क्वेश्चन, करते हैं हम इसका, चलो फोर्थ की बताती हूँ, सिक्स बताती हूँ, फोर्थ सिंपल है, फिफ्थ बताती हूँ। 49 का ए स्क्वायर माइनस 225 का बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6 राइट, अब देखते हैं दोनों किस किस के स्क्वायर है ना। 49 सबको पता है 7 का स्क्वायर है, तो लिख दो 7 ए का स्क्वायर। ठीक है, 225 बताओ किसका स्क्वायर है, चलो वैसे तो 15 का होता है लेकिन हम निकाल के देखते हैं। ठीक है, यहां यूनिट डिजिट से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलो, दो नंबर्स पे बार, यहाँ एक नंबर पे बार। ठीक है, अब देखो 1 1 1 कितना बचा, 1, ये 25 नीचे आ जाएगा, 1 + 1 2 इसमें से क्या नंबर रखो उसी से मल्टीप्लाई करो, ये तो 125 है इससे छोटा है, तो मैं 5 कर दू। ठीक है सर, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया, 15 आ गया ना, 225 का स्क्वायर रूट 15 हो गया। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 15b का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, a माइनस बी और a प्लस बी है कि नहीं। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आपके 7 क्वेश्चन पर। यहां पर है हमारे पास ए स्क्वायर बी टू द पावर 4 सी टू द पावर 6 माइनस 1। ठीक है, कैसे
सकते हैं। देखो इसको मैं लिख सकती हूँ ए बी का स्क्वायर सी का क्यूब इसका स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ए का ये हो जाएगा 1 2 2, 2 2 4, 3 2 6, ठीक है ना। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, एक ही बात है ना, कर सकते हैं ना। 1 को कैसे लिख देंगे, 1 का स्क्वायर, ठीक। अब देखो फिर से फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर, कैसे लिखोगे, ए प्लस बी, फिर बोलो ए माइनस बी, यहां पे ए की वैल्यू ये पूरी है ना, तो हमने ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, क्लियर। चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये एक्सरसाइज सिंपल है ना, इतनी मुश्किल नहीं है, बड़ी आसान सी। यहां पे हमारे पास 36x² - 1/169, ठीक है। देखो 11, 12, 13 कुछ नंबर्स के स्क्वायर आप लोग याद रखिए, ठीक है, तो आसानी हो जाती है। ये किसका है, 6 का स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 6x का स्क्वायर, ठीक है। ये किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या हो सकता है, मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 13 का स्क्वायर 169। अब ये क्या है, यहां पर ए ये है और बी ये है, तो ये फॉर्मूले में रखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है, क्लियर। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन अच्छे है ना, और बड़े इजी भी, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है ना। (36a+b²-49a-b²), ठीक है। तो देखो यहां पर मैं 36 को क्या लिख सकती हूँ, 6 का स्क्वायर लिख सकती हूँ कि नहीं, 7 इसको क्या लिख सकती हूँ, 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये स्क्वायर अगर मैं ऐसा कर लूं, कोई मसला तो नहीं है। चलो ये दोनों स्क्वायर हटाओ, एक कॉमन स्क्वायर लगा दो, ठीक है। अब देखो क्या नजर आ रहा है, ये पूरा ए स्क्वायर, ये पूरा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है। अगला ए, ए ये पूरा ए है ना, ए माइनस बी, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 6a+6b, ब्रैकेट ओपन करोगे, 6a+6b, 7a-7b, ठीक है। यहां पर 6a+6b - 7a - +7b, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सिक्स ए सेवन ए बताओ 13 है, 6b - 7b - b, 6a - 7a - a ++13b, ठीक है, क्लियर है, ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट, ठीक है ना। चल अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है। अब 10, 11 इजी है थोड़ा सा, तुम लोग खुद ट्राई करना, नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताना, तो मैं बता दूंगी, ठीक है। चलो करते हैं हम 13। यहां पर क्या है हमारे पास, 63 का (x²-y²-7), मैं 7 बाहर ले लेती हूँ कॉमन, यहाँ क्या मुझे 7 9 63 (x²-1-1), ठीक है। चलो अब ऐसा करते हैं हम, इसको मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिखती हूँ, कैसे, 3xy² ठीक है, हो गया ना ये 9x²y², ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, (a²-b²), इसको हम कैसे लिख सकते हैं, (a-b), है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, (a+b). देखो आ गया ऐसा मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, तो
डिग्रीज के फैक्टर्स हो गए। ठीक है, सिंपल है ना। चलो देखो क्वेश्चन, अगर वैसे दिखने में मुश्किल लगता है ना बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा आराम से शुरू करो उसको, तो देखो कितना आसानी से सारे प्रॉब्लम्स हो जाती है ना। ये एक्सरसाइज काफी सिंपल है, ये चैप्टर ही इनफैक्ट बड़े मजेदार है ना। चलो अब करते हैं 15th क्वेश्चन। यहां पर है 7a-6b का स्क्वायर -16c का स्क्वायर। ठीक है, क्या नजर आ रहा है हमको इसको अगर मैं लिख देती हूं, बताओ 4c का स्क्वायर लिख दू, 4 × 16c का स्क्वायर। अब क्या नजर आ रहा है, a² - b² फॉर्मूला क्या बनेगा, a - b। ठीक, दूसरे ब्रैकेट में a + b। ठीक है, आंसर आ गया सिंपल। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। चलो ठीक है, बाकी तो सब इजी इजी ही है ना। 17 करते हैं अब हम। 16x² - 5y + 7² ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4x² है ना, और ये तो है किस फॉर्म में, a² - b² कैसे लिखू मैं इसको, a - b। देखो माइनस लगाने से ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, a + b कितना आसान है। ठीक है, चलो ऐसे होंगे सारे क्वेश्चन है ना, दिखने में लगेंगे ये जरूर कि भाई कैसे होगा, शुरुआत करो सब हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कैसे लिखोगे इसको, 10 का स्क्वायर लिख दे, ये a² - b² माइनस लगाने से ये माइनस, और इसका साइन माइनस लगाने से साइन चेंज हो जाता है ना। अब a + b कर दो, हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, a + b a - b। ठीक है, 14 - a ये कितना हो जाएगा, 6 + a। ठीक है, चलो ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर 18 है ना, राइट। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है 205² - 195². ठीक है, करने को तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसका स्क्वायर निकालो, इसका स्क्वायर निकालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, इजी बनाना है। ठीक है, तो क्या करोगे, इस फॉर्मूले में रखते a² - b² इसका क्या ये है, a + b है ना, a - b मेरे साथ में ना फॉर्मूले बोलते रहा करो। ठीक है, फिर 10 से 1 बचा 1 और ठीक है, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 400 × 10 कितना हो जाएगा बता, 4000 है कि नहीं। ठीक, सिंपल। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। ये कमेंट सेक्शन में जाके बताना ये एक्सरसाइज आप लोगों को कैसी लगी है ना, कितनी आसान और कितनी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है भाई। अब के तो एग्जाम से पूरे नंबर आने चाहिए, अगर जिस एग्जाम में आपका ये वाला चैप्टर आ रहा है ना। देखो वीडियो में ना, जब तुम लोग देखते हो मेरी वीडियो चल रही है, वहां पे एक ऑप्शन आ रहा है सुपर थैंक्स का। ठीक है, जो बहुत खुश है वीडियो से, ठीक है, वो सुपर थैंक्स पे जाके क्लिक कर सकता है, मुझे सुपर थैंक कर सकता है। ठीक है, लेकिन हम, मैं भी किसी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। कोई है अरविंद मानजानी सन है ना, थैंक यू सो मच। मैं हर वीक का कोई स्टार बताती हूँ, स्टार ऑफ द वीक, स्टार ऑफ द मंथ, तो ये आपके स्टार ऑफ द वीक है। ठीक है, अरविंद मानजानी, थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियो बहुत अच्छे से देखते हो, हर वीडियो पे कमेंट करते हो, लाइक करते हो, थैंक यू सो मच। ठीक है,
फॉर्मूले में रख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक, सब्ट्रैक्ट करो, चलो 8 है ना, और ये हो जाएगा ठीक है 2.8। इसको करो, इसको ऐड करते हैं हम अब, है ना, तो देखो ठीक है ये कितना आ गया 2.8 इंटू 10। देखो जब मल्टीप्लीकेशन होता है यहाँ पे एक जीरो है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस डेसिमल को हटाकर एक डिजिट की बात कर देंगे, ठीक है, तो योर आंसर विल बी 28.0 कह सकते हो या फिर 28, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, खूब ढेर सारा शेयर करना, लाइक करना और अच्छा सा कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।